दुनिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने शुक्रवार को अपने करियर के आखिरी टूर्नामेंट लेवर कप में हार के साथ टेनिस से संन्यास ले लिया। इस अंतिम टूर्नामेंट में फेडरर ने राफेल नाडाल के साथ जोड़ी बनाई थी। मैच के बाद रॉजर फेडरर काफ़ी भावुक दिखाई दिए, उनकी आंखों में आंसुओं की झलक नज़र आ रही थी। टेनिस कोर्ट के बीच में खड़े होकर उन्होंने अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाकर लोगों का अभिनंदन किया। इसके बाद नोवाक जोकोविच से मिले। इसी दौरान राफेल नाडाल भी फेडरर की विदाई के पलों को महसूस कर भावुक नजर आए। फेडरर अपने पिछले पेशेवर मैच में पोलैंड के ह्यूबर्ट हॉर्केज के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में हार गए थे। वहीं घुटने की समस्या के कारण वह लंबे समय तक नहीं खेल पाए थे। फेडरर लेवर कप में एकल के मुकाबले में नहीं खेलेंगे। वहीं 41 वर्ष फेडरर ने कहा था, मुझे नहीं पता था कि मैं अच्छे से खेल पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूंगा। यह एक अलग अनुभव है। मैं उन्हें नडाल अपनी टीम में देखकर और उनके खिलाफ नहीं खेलकर खुश हूं। दूसरी ओर नडाल ने कहा, मेरे टेनिस करियर के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी अब खेल से अलग हो रहे हैं, यह क्षण मुश्किल होगा। मैं उनके साथ खेलने के लिए उत्साहित और आभारी हूँ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहें न्यूज़ साइट। धन्यवाद।